शादियों का सीजन चल रहा है। इस बीच लोग सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। कीमत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों सोने चांदी की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सोने की कीमतें इस समय आसमान छू रही है। सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिनों दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तो सोने और चांदी का भाव देखकर आम आदमी को डर सा लगने लगा है। 24 कैरेट सोने का भाव बढ़ने के बाद 72,000 के पार पहुंच गया है। सोने की कीमतों में इस हफ्ते की शुरुआत में ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बना डाला है। ऐसे में यदि आप गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 10 अप्रैल को गोल्ड की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बुधवार को 24 कैरेट सोने का दाम 72,048 रुपए पहुंच गया है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 82,468 रुपए हो गई है। देखिए जिस तरह से देश में प्रगति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किसान मजदूर सबके अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन सोना जो हर व्यक्ति चाहता है अपने लिए पाना, वो आसमान के आसमान से भी ऊपर पहुंच चुका है। किसान दिन रात मेहनत करके एक उम्मीद लगाता है कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए एक तोला, छोटा सा मात्र तोला ले लूं, लेकिन वो भी उसकी पहुंच से दूर है। क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। अगर इस पर सरकार कुछ सोचे तो ही कुछ हम आम जनता का हो सकता है, लेकिन नहीं। किसान दिन प्रतिदिन, मजदूर लोग आम आदमी की पहुंच से दूर है। मालूम है आज कितना तोला है? 72,000 रुपये तोला, समझते हो? 72,000 रुपये तोला एक आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। नहीं कमा सकता वो, नहीं ले सकता अपने बच्चों परिवार के लिए। आज की स्थिति परिस्थिति में सोना एक सोचने मात्र की चीज़ रह गई है, लेकिन वो भी नहीं पूरी कर पा रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या सोचेंगे आप? जागो, बात करो, सवाल उठाओ कि ऐसा क्यों, हमारे लिए सब कुछ महंगा, कैसे जिएंगे हम, कहाँ से पूरा करेंगे हम? हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट के मुताबिक 10 अप्रैल को 995 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 71,759 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट वाले सोने के दाम 65,996 रुपए प्रति ग्राम है। 18 कैरेट वाले सोने का रेट 54,036 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि 14 कैरेट वाले सोने की कीमतें 42,148 रुपए प्रति ग्राम है। लोगों में डर पैदा हुआ है कि गोल्ड कहीं 1,00,000 रुपये तोला ना हो जाए, तो लोगों के लिए यही है कि जो भी लोग सोने की परचेजिंग जरूरत के हिसाब से करनी चाहिए, चाहे दुकानदार है, हम भी वही गोल्ड परचेज कर रहे हैं, कोई दुकान के लिए स्टोक नहीं परचेज कर रहे आजकल, क्योंकि गोल्ड का कल को पता नहीं है ऊपर चले नीचे चले ना, अब हद से बाहर निकलने लग रहा रेट ना गोल्ड का। अभी रिसेंटली 58,000-55,000 से एकदम सोना 70,000 के टारगेट पे पहुंच गया, तो इसमें जो पैसे वाला वो भी हिल गया है कि 10 ग्राम की चीज़ में क्या आता है, कुछ नहीं है। 70,000-75,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कुछ नहीं है। तो इस समय तो ये लोगों में कस्टमर भी मेरे हिसाब से वही कस्टमर है जिनको पता है कि मैंने तो बिल्कुल भी 6 साल में 6 महीने में करनी है,